नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ही बेहतरीन डील के बारे में, पिरामल इंटरप्राइजेस। जो पिरामल इंटरप्राइजेस के जो सब्सिडी कंपनी है पिरामल फार्मा में जो डील हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है डील है, क्योंकि इस स्टॉक्स में हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पीछे भी ये स्टॉक्स एक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को। तो इन सारी बातों को, मतलब इन डील के बारे में और जो ये कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। ये जो वीडियो का नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा, देख सकते हैं ITC, रुचि सोया, हाउ टू ओपन जीरोधा अकाउंट, ये सारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको अगर नहीं मिला तो चैनल को विजिट कीजिए, इन सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखिए। सबसे पहले हम जो डील है पिरामल इंटरप्राइजेस के साथ उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो ग्लोबल इक्विटी फर्म है कार्ले ग्रुप विल एक्वायर 20% स्टेक फार्मास्यूटिकल बिजनेस ऑफ पिरामल इंटरप्राइजेस सब्सिडरी। जो पिरामल इंटरप्राइजेस की जो सब्सिडरी है पिरामल फार्मा, उस बिजनेस में देख सकते हैं 3,700 करोड़ में 20% का स्टेक लेगा। 20% स्टेक, तो इसका जो इंटरप्राइज वैल्यू लगाया गया है वो देखते हैं $2.78 बिलियन, इतना बिलियन जो है उस बिजनेस का, जो फार्मा बिजनेस है उसका इंटरप्राइज वैल्यू लगाया गया है। साथ ही साथ उसमें अपसाइड, मतलब उसमें जो अपसाइड कंपोनेंट है कि इतना मिलियन का अपसाइड मतलब रखते हैं वैल्यूएशन, मतलब और आगे जो है उस इन्वेस्टमेंट में और मतलब मनी देने वाला है। अगर फाइनेंशियल 2021 का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होता है और उस समय कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट होता है उसको देखने के बाद इसके इस वैल्यूएशन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब 20% स्टेक के लिए ही जो 3,700 करोड़ दे रहा है उसके बदले इतना जो मिलियन जो है इंटरप्राइज वैल्यू और अधिक उसका लगाया जाएगा कंपनी का, इतना अधिक इंटरप्राइज वैल्यू तब लगाया जाएगा जब 21 है उसका परफॉर्मेंस बेहतरीन हो। मतलब आपसे कोई डील कर रहे हैं, हम सामान अभी खरीद रहे हैं 20 रुपया में, कि आपका सामान का अभी का मूल्य 20 रुपया हम लगाते हैं, लेकिन अगर आप अगले एक साल तक आपका सामान बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा करता है, तो हम 21 रुपया के बदले आपके जो सामान है उसका वैल्यूएशन 22 रुपया लगाएंगे। तो यही हुआ कि इतना जो इंटरप्राइज वैल्यू लगाया गया है उसको बढ़ा दिया जाएगा इतना मिलियन से, अगर कंपनी फाइनेंशियल 21 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है। तो अभी भी देख रहे हैं फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि COVID-19 का जो सिचुएशन आया है उसमें काफ़ी डिमांड है फार्मा का, मतलब मेडिसिन का, तो जिसके कारण काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है फार्मा कंपनी। जो पिरामल इंटरप्राइजेस है इसका भी देखिएगा शेयर प्राइस काफ़ी मूवमेंटम देखने मिला है पिछले मतलब 2-3 महीनों से। तो ये देख सकते हैं पिरामल इंटरप्राइजेस का जो शेयर है अभी करेंट वैल्यू है 1,344 रुपीज, और ये जो वैल्यूएशन है देख सकते हैं वो काफी, मतलब जो हमारा अभी पिछले 2-3 महीने का समय है उसमें काफी मोमेंटम देखने मिला है। यहां से आप देख सकते हैं 108% की तेजी इसमें आ चुकी है 23 मार्च से लेकर के अभी जून 26 तक में, तो समझ सकते हैं कितना मोमेंटम ज्यादा है। मतलब ये 108% का रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को जिन्होंने भी मार्च में इन्वेस्ट किया, तो काफ़ी मोमेंटम है अभी जो भी फार्मा कंपनी है उससे जो रिलेटेड है, क्योंकि इनका जो फार्मा बिजनेस है उससे 41% तक का रेवेन्यू आता है। तो जो पिरामल फार्मा है जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है कार्ले, उसमें जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है उस कंपनी का पिरामल इंटरप्राइजेज में 41% है। तो ये पेरेंट कंपनी है पिरामल फार्मा का, इसका 41% रेवेन्यू कहाँ से आता है, पिरामल फार्मा से। तो फार्मा सेगमेंट में जो हमारा कार्ले है वो पिरामल फार्मा में इन्वेस्ट करने जा रहा है, ना कि पिरामल इंटरप्राइजेज में, लेकिन ये पेरेंट कंपनी है तो निश्चित है ये भी बेनिफिटेड होगा और आप इसका मोमेंटम देख ही सकते हैं। मैक्सिमम ईयर के चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम ईयर में देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न 6,476% का रिटर्न दिया है 2002 से 2018 के बीच, मतलब 16 साल में 64 गुना आपके रुपया को किया है, मतलब 1,00,000 लगाए होते तो 64,00,000 उसके बदले आपको मिलता, और डिविडेंड यील्ड भी 1% का है तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है। और उसके बाद फार्मा कंपनी देखते हैं 2018 के बाद 2015 से ही काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा था, जिसके कारण इसमें ज़्यादा मूवमेंटम देखने नहीं मिला था। अभी जो भी फार्मा कंपनी है उस सारे
फार्मा कंपनी के स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि अभी जो फार्मा का डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पूरे मतलब वर्ल्ड में, तो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी डिमांड बढ़ा है जिसके कारण फार्मा कंपनी में काफ़ी मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो दोस्तों ये देखते हैं पिरामल इंटरप्राइजेस का ये चार्ट है, जीरोधा पर हम ये सारे चार्ट देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक जीरोधा में अकाउंट नहीं ओपन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अभी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा में ओपन कीजिए। तो ये देख सकते हैं अपना जो 200 डे का मूविंग एवरेज है उसके करीब पहुंच चुका है, अभी जो करेंट प्राइस है 1343 और 200 डे का मूविंग एवरेज प्राइस जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस वो है 1383, तो उसके काफ़ी करीब है ये स्टॉक्स, और अपना 100 डे 50 डे 20 डे के मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। तो देखते हैं काफ़ी ऊपर है, तो हमारा ये जो ऊपर वाला ब्लू लाइन है ये 200 डे का है, नीचे वाला ब्लू लाइन ये 20 डे का मूविंग एवरेज है, और जो हमारा ये येलो लाइन देख रहे हैं ये है 50 डे का, और ये ऊपर वाला जो है ये 100 डे का, तो काफ़ी ऊपर जा चुका है अपने सारे मूविंग एवरेज से। मात्र 200 डे का जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करना, मतलब 200 डे का EMA जो है ब्रेक करना बाकी है। अब बात करें जो RSI है, तो RSI अभी है 73 रुपीज़, तो RSI भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मतलब ये ओवरबाउट का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि आप देखते हैं जो 30 से 70 होता है ये हमारा न्यूट्रल जोन होता है, ऊपर जाता है तो हम मतलब जो बाइंग का स्ट्रेंथ है उसको मजबूत मानते हैं, मतलब बाय काफ़ी ज़्यादा हो रही है, नीचे आता है तो हम ओवरसोल्ड, मतलब ये 30 के नीचे आ जाता है ओवरसोल्ड हो चुका है, तो उस समय आपको बाय करना है जिस समय ओवरसोल्ड हुआ है। अभी ओवरबाउट है तो अभी आपको इसमें बाइंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अभी फार्मा स्टॉक्स है उसमें काफ़ी मोमेंटम पकड़ा हुआ है, तो ये ऊपर का जो अपसाइड ट्रेंड है ये कब रुकेगा ये नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ देखते हैं इसमें जो बाइंग हो रहा है काफ़ी वॉल्यूम के साथ हो रहा है, मतलब ये जो अपवर्ड मोमेंटम है काफ़ी वॉल्यूम के साथ है, तो हो सकता है ये अपना अपवर्ड मोमेंटम जारी रखे। और साथ ही साथ इसमें गुड न्यूज़ है कि इसका जो डेप्थ होगा वो कम हो जाएगा, ये जो सारा डील हो रहा है वो डेप्थ को कम करने के लिए, जो फार्मा में अपना 20% स्टेक इन्होंने सेल किया है अपने डेप्थ को कम करने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं डेप्थ कितना है पिरामल इंटरप्राइजेस के ऊपर। तो ये देखते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं डेप्थ टोटल कितना है कंपनी के ऊपर। तो रिजर्व है कंपनी के ऊपर, मतलब कंपनी के पास 22,000 करोड़ का रिजर्व है, तो रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद देख सकते हैं टोटल जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो है 6,451 करोड़ का, इससे पहले डेप्ट था 11,000 करोड़ का, तो काफ़ी डेप्ट कम हुआ है, मतलब ये जो मार्च क्वार्टर है इसमें कंपनी ने काफ़ी डेप्ट को कम किया है, 5,000 करोड़ से डेप्ट को कम किया है, तो काफ़ी डेप्ट को कम करने में मदद मिली है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास 78 करोड़ का है, तो कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास कुछ खास नहीं है। उसके बाद बुक वैल्यू कंपनी का, बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, देखते हैं 1000 करोड़ का बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है कंपनी का, तो आप समझ सकते हैं सारी चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है देखते हैं 6,451 करोड़ का। पिरामल फार्मा में जो इन्वेस्टमेंट आएगा उससे ही डेप्ट इसका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो लगभग डेप्ट जो है निगलिजिबल होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये स्टॉक में मूवमेंटम तो आप पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि डेप्ट भी ख़त्म, कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी बेहतरीन कंपनियाँ में आप अपना खुद का थोड़ा रिसर्च कर लें, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र उससे भी सलाह लें और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी है पिरामल इंटरप्राइजेस, और बाकी बात आपको खुद अपना रिसर्च करना है, आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो प्राइस भी अपने टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा आपको जज करना है किस प्राइस पर आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपको प्राइस दिखाए ये काफ़ी ऊपर जा चुका है अपने जो सारे मूविंग एवरेज है, मात्र 200 डे का मूविंग एवरेज जो ये ब्रेकआउट करना बाकी है, और इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो अब आपको तय करना है कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो इसका जो नीचे का लेवल है, जो रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ पर देख सकते हैं वो है 1000 का, 1000 इसका यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल है, जो मेजर रेसिस्टेंस लेवल है, तो 1000 के आसपास आता है तो आप इसमें ज़रूर बाय करें, क्योंकि 1000 पहले अपसाइड का रेसिस्टेंस लेवल था, यहाँ देख सकते हैं जैसे ये 1000 का लेवल ब्रेक किया तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंटम ऊपर का दिखाया 1300 रुपये तक का, तो अब ये जो 1000 है ये रेसिस्टेंस बन गया नीचे का,
मतलब अब ये रेसिस्टेंस बन गया, पहले ऊपर जाने का ये रेसिस्टेंस था, अब नीचे का सपोर्ट एक तरह से कहिए कि ये सपोर्ट हो गया है। यहाँ 1000 के लेवल के आसपास आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको खुद रिसर्च करना है, खुद जजमेंट लेना है कब आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे बाइंग करने से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। समझते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा।